हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। आज सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न। अभी जो एग्जांपल है वो है विथआउट आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न का। अब हम डिस्कस करेंगे विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न। बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देता हूं, सेव कर लेते हैं। जितना हो सके उतना मैं सिंपली रखूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चार फोर टाइम्स मैंने पूरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है। बीच में जो कुछ भी मैसेज मुझे स्क्रीन में दिखाना है वो मैं लिखूंगा। अब बिल गेट्स ने कहा है कि मुझे लेजी डेवलपर थोड़े पसंद है, तो कुछ ऐसा ही करेंगे। फंक्शन मैसेज कर्ली ब्रैकेट्स में जो मैसेज दिखाना है वो, ठीक है। अब यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी मैसेज जो मुझे दिखाना है वो। अब ये जो कुछ भी है मैसेज मुझे यहां पे डिस्प्ले करवाना है, ये है वो मुझे यहां चाहिए, ये मुझे यहां चाहिए, ये मुझे यहां चाहिए। अब इसका मैंने नाम क्या रखा है, मैसेज, तो इसे मैं कॉपी कर डालता हूं, पेस्ट। ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने लाइन दिखा है यूडीएफ नेम, ये क्या है, कॉलिंग स्टेटमेंट है। ये क्या करता है, यहां से एग्जीक्यूशन कर्सन को जंप करके इनसाइड द यूडीएफ सेंड कर देता है, इनसाइड द यूडीएफ। यूडीएफ में क्या है, हमारा कोड है जो हम एग्जीक्यूट करवाना था। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैसेज क्या है, यूडीएफ नेम है, तो अब ये क्या हो गया, कॉलिंग स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। कौन सा कॉलिंग स्टेटमेंट, यूडीएफ का। अब बीच में मैंने क्या लिखा है, आई लिखा है। अब ये आई है वो हो जाती है इसकी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन, एडिशनल डेटा। अब ये जो कुछ भी है ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में पूरे का पूरा जितना भी है ट्रांसफर होगा इनसाइड अ यूडीएफ। तो यहां पे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, यहां पे मैं लिख डालूंगा एक्स। अब ये यहां पे कॉलिंग स्टेटमेंट में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी भी सेंड करेंगे वो सभी स्टोर होगी इनसाइड एक्स वेरिएबल, अ स्पेशल वेरिएबल, वो इमीडिएटली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ यूडीएफ टर्मिनेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि एक्स वेरिएबल को दूसरी कहीं और जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसके डेटा को एक्स वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाएंगे, डेटा ओवरराइट हो जाएगा अगर दूसरी जगह दो बार इस्तेमाल किया है तो। लेकिन हमारी जो सेंड डेटा होगा वो आउटसाइड द यूडीएफ आप फिर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब एग्जीक्यूशन मेथड क्या होगी, ये तो यूडीएफ है विथआउट अ कॉलिंग, वो कभी एग्जीक्यूट होते नहीं है। सेकंड यूडीएफ विथआउट कॉलिंग एग्जीक्यूट होगा नहीं। फर्स्ट लूप मैसेज जंप कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, मैसेज में क्या साइन किया, आई, आई की वैल्यू क्या है, वन आया एक्स में, एक्स आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट वन। रिटर्न हो जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास, यहां अब होगा आई प्लस वन टू, टू लेस देन टेन है, मैसेज कॉलिंग स्टेटमेंट है, आई की वैल्यू अब टू है, जंप कीजिए इनसाइड अ यूडीएफ, एक्स में टू स्टोर हो गया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू हो जाएगा, रिटर्न कीजिए कॉलिंग स्टेटमेंट में थ्री लेस देन टेन,
मैसेज आई में 3 है वो स्टोर हो जाएगा एक्स में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3। तो इस तरह जितना भी हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब यूडीएफ कॉलिंग द यूडीएफ, ये कॉन्सेप्ट भी मैं साथ में कवर अप कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आ गया 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो गया। लाइन इनसाइड अ यूडीएफ, मैसेज, मैसेज तो भाई यूडीएफ का नाम है, क्या मैसेज है, ये स्ट्रिंग है पूरी की पूरी सेंड होगी इनसाइड अ यूडीएफ, स्टोर हो जाएगा एक्स वेरिएबल में वो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स में जो हमारे स्ट्रिंग है बी आर डैश बी आर वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस मुताबिक हमारा है ये जो कुछ भी प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जाम्पल है हमारा विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो में अगर कुछ भी अगर आपने नया जाना सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।